और मंगलाचरण करने के बाद में नैमिषारण्य की पावन भूमि पर जहाँ पर संकादि कथा से जर्जी सूत जी से प्रश्न कर रहे हैं वहीं पर कथा दोबारा पहुंची। वही नैमिषारण्य की पावन भूमि संकादि कथा से जर्जी सौनक जी को प्रतिपादन दे चुके हैं और श्री सौनक जी महाराज सूत जी से प्रश्न करते हैं और उन्हीं प्रश्नों पर श्रीमद् भागवत की कथा। तत्र तत्रायनायुष्मान् भवता यदि वाचतम् पुंसामेकान्तया श्रेया संतः सन्तिमर्षहि। प्रश्न पूछे हैं और प्रश्नों में सबसे पहले सौनक जी महाराज पूछते हैं सूत जी महाराज से कि हे श्री सूत जी महाराज, धर्म क्या है? मंदिरों में जाकर के भगवान का दर्शन करना धर्म है या केदारनाथ बद्रीनाथ रामेश्वरम जैसे तीर्थों में जाकर के दर्शन करना धर्म है या गिरिराज जी की परिक्रमा लगाना धर्म है या नवलेश्वर धाम में यज्ञ की आहुति देना धर्म है? आखिर धर्म क्या है, उस धर्म के बारे में हमें बताइए, हम जानना चाहते हैं वास्तविक धर्म क्या है, ये प्रश्न किया। सूत जी सुन रहे हैं, था और क्या प्रश्न है आपके? बोले और भी प्रश्न है। बोले और पूछो। बोले दूसरा प्रश्न हमारा ये है कि जब हम मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो मंदिर में शंकर भगवान का पूरा परिवार मिलता है, दुर्गा मैया शेर पे बैठी हुई विराजमान होती हैं, राम दरबार होता है, हनुमान जी होते हैं, लेकिन सभी देवी देवता पूज्य हैं, वंदनीय हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के पास इतना सामर्थ्य ना हो कि वो सबकी पूजा कर सके, इसलिए कृपया करके ऐसा कोई एक देवता बता दो जिसका ध्यान करने से, जिसका पूजन करने से सबकी पूजा हो जाए। हम मंदिर में विक्रय बहुत हैं, लेकिन हमारे पास तो एक ही माला है, तो हम सबको माला तो पहना नहीं सकते, तो हम वहां पर किसी एक को ऐसा चुन लें जिस एक की पूजा करने से सबकी पूजा हो जाए। ये हमारा दूसरा प्रश्न है। और तीसरा प्रश्न हमारा ये है कि वेदों में भगवान को अजन्मा कहा गया है, भगवान कभी जन्म लेकर नहीं आते, तो जब भगवान जन्म ही नहीं लेते तो कौशल्या के राम बन के कैसे आ गए, देवकी के कृष्ण बन के कैसे आ गए? ये भी हमारा प्रश्न है, इसको आप बताइए कि जब जन्म लेते ही नहीं है तो कौशल्या के पुत्र बनकर, देवकी के पुत्र बनकर कैसे आए? सूत जी बोले और पूछो। बोले एक और प्रश्न है हमारा। बोले क्या? बोले एक प्रश्न हमारा ये है, वृंदावन में हरिलाल की जय हो। बोले बाकी मैं नाम भूल जाता हूँ, नाम क्या? मनमोहन। देखिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए बाबूजी के लिए, मनमोहन सिंह जी हमारे और आपके बीच में आए हैं स्वागत करने के लिए। गांव के हैं महाराज जी, हमें कोई और मनमोहन दत्ता जी, ये इस कथा के सूत्रधार भी आप इनको ही मानो। कानपुर में हमारी कथा चल रही थी, उस कथा में बाबूजी पहुंचे थे, वहां इन्होंने कथा को सुना। इनके बड़े बेटे है राजेश भैया, वो भी नियमित रूप से कथा में आते थे, उनसे बड़ा स्नेह है हमारा। तो वहां बाबूजी ने कहा कि गांव में हमारा वहां पे कार्यक्रम होता है, तो ये जो कार्यक्रम हम सुना रहे हैं
तो समझ लो उसमें भी इनका ही कहीं ना कहीं सूत्र जुड़ा हुआ है। वैसे तो करने वाले सब नवलेश्वर बाबा हैं, वैसे तो हो ही है वही जो राम रच रखा, लेकिन बाबू जी सूत्र बन गए तो हम वहां से यहाँ पर आ गए। इसलिए एक बार जोरदार ताली इनके लिए बजाओ। जैसे भोले बाबा ने कहा था ना कि धन्य धन्य के लिए राजकुमारी, तो वही बात है कि ये ना वहां जाते और ना हम यहाँ आते। बोलो वहां के बिहारी लाल की श्री राधा रानी सरकार की जय, जय श्री राधे। कब देंगे? कथा के पहले? कथा के पहले 4:30-5 के बीच में, कर पाँच के बाद एक घंटे उनका प्रवचन चलेगा, फिर हमको बैठना पड़ेगा। हाँ बैठना पड़ेगा, तो उनको बीच में बुला दो। भी बुला दो? नहीं नहीं ऐसा नहीं, तो कथा के बाद बुलाओ। एक घंटे के लिए विराम दे, देने बाद में आरती करके। सूत जी महाराज कहते हैं आगे के प्रश्न पूछिए, तो आगे प्रश्न पूछे हैं। पूछते हैं महाराज एक बात बताइए, के जिस समय भगवान अपनी लीला करने आते हैं और आकर के लीला करते हैं, भगवान कृष्ण आए आकर के उन्होंने गोकुल में ब्रज में अपनी लीलाएं की और लीला करके भगवान जब गए तो भगवान कहाँ चले गए? ये भी हमारे मन में इच्छा है जानने की कि भगवान आ करके लीला करके कहाँ जाते हैं। बोले और पूछो। बोले और हमारा प्रश्न ये है कि श्रेष्ठ वक्ता कौन है? श्रेष्ठ वक्ता के बारे में हमें जानकारी लेनी है कि कौन श्रेष्ठ वक्ता है जो ज्यादा बात ना बनाए, शीघ्रता में बात समझा दे और बात समझा करके कल्याण की ओर हमें पदस्थ कर दे, ऐसी भी कृपया करके आप बताइए कि श्रेष्ठ वक्ता कौन है, ये भी हम जानना चाहते हैं। फूल चढ़ा दें, ये भी हम जानना चाहते हैं कि कौन है श्रेष्ठ वक्ता। सूत जी महाराज ने जब इन प्रश्नों को सुना तो मन गदगद हो गया, कहने लगे आपके प्रश्न बड़े सुंदर हैं, आपने उत्तम प्रश्नों को पूछा है, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। लेकिन आपके प्रश्नों के उत्तर से पहले मैं अपने इष्ट का ध्यान करूंगा। क्यों? क्योंकि व्यास जी ने भी 3 श्लोकों में अपने इष्ट का ध्यान किया, मंगलाचरण किया। तो आज सूत जी भी कहते हैं कि मैं भी अपने गुरु जी का ध्यान कर लूं। अब सूत जी के गुरु जी कौन है? सूत जी के गुरु जी है श्री सुखदेव जी महाराज, व्यास जी के पुत्र। यम प्रव्रजन्तम नपेतम पेतकृत्यम द्वीपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रे निधन में तया तरवो विनेन्दु तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोष्मी। श्री सूत जी महाराज ने अपने गुरु जी के जन्म की कथा यहाँ पर कही। सुखदेव जी महाराज बैकुंठ में राधा रानी के प्रिय पक्षी तोते थे और तोते के रूप में बैठ करके राधा रानी से भगवान नाम चर्चा सुना करते थे और राधा रानी ने भगवान की सारी लीलाओं को श्री सुखदेव जी महाराज को सुना दिया और श्री सुखदेव जी महाराज ने उन कथाओं को सुन करके अपने अंतःकरण में विद्यमान कर लिया। अब जब पूरी कथा सुना दी तो आज राधा रानी ने कहा कि हे सुखदेव जी महाराज, आप पृथ्वी पर जाइए और पृथ्वी पर जाकर के भगवान के चरित्र का गुणानुवाद करिए, भगवान के चरित्र को संसार में कलयुगी लोगों को बताइए कि कैसी भगवान की लीला है। तो आज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राधा रानी से, हे किशोरी जी, जाने को तो मैं चला जाऊं लेकिन क्या बताऊं,
पृथ्वी पर भगवान की माया घेर लेती है। पृथ्वी पर जाते ही भगवान की माया व्यक्ति को घेर लेती है, और यदि मैं जाऊंगा तो मुझे भी भगवान की माया घेर लेगी। तो राधा रानी, आप मुझसे ये मत कहो कि मैं पृथ्वी पर चला जाऊं, क्योंकि मैं माया के बंधन में बंधना नहीं चाहता। तो आज राधा रानी ने कहा, देखो आप जाओगे हमारे कार्य के लिए, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम आपको माया से बचाएं। आप जाइए, हम कोई ना कोई प्रयत्न करेंगे। सुखदेव जी महाराज राधा रानी का आग्रह लेकर वहां से चले गए। इधर नारद जी को बुला लिया राधा रानी ने। नारद जी महाराज नारायण नारायण नाम का गुणानुवाद करते हुए आए हैं, और आकर के राधा रानी से पूछते हैं, हे किशोरी जी, बुलाने का कारण है। तो आज श्री राधा रानी कहती हैं कि नारद जी, सुखदेव जी महाराज को मुझे पृथ्वी पर भेजना था तो मैंने भेज दिया, लेकिन अब मेरा एक वचन है, उसको आप पूरा करवाओ। बोले कैसा वचन? बोले मैंने वचन दिया है कि भगवान की माया सुखदेव को नहीं घेरेगी, तो आप कोई लीला करिए। नारद जी सोचने लगे क्या लीला करें। तो कहां गए हैं सुखदेव? बोले सुखदेव तोते के रूप में गए हैं, और जाकर के कैलाश पर्वत पर एक तोतनी के गर्भ में जाकर विद्यमान हो गए। नारद जी का दिमाग घूमा, बोले कैलाश पर्वत पर तो भोले बाबा रहते हैं, तो चलो आज भोले बाबा के यहां से ही लीला प्रारंभ करें। नारद जी महाराज नारायण नारायण नाम का गुणानुवाद करते हुए भोले बाबा के यहां जा पहुंचे। भोले बाबा की भेंट नहीं हुई, लेकिन मिल गई पार्वती मैया। पार्वती मैया, लक्ष्मी मैया और सरस्वती मैया, इन तीनों के गुरु हैं नारद जी। तो आज पार्वती जी ने अपने गुरु को देखा, बड़ी गदगद हो गई, और गदगद होकर के प्रणाम किया, आइए गुरुदेव बैठिए, जलपान की व्यवस्था की। और जब गुरु आए हैं, तो आज पार्वती जी ने गुरु जी से सत्संग करना चालू कर दिया। अब जो जैसा व्यक्ति होगा वो वैसा ही काम करेगा। संत और भक्त जब मिलते हैं तो वो सत्संग ही करते हैं। तो आज पार्वती मैया सत्संग में बैठी हैं, नारद जी ने सत्संग करना प्रारंभ किया, और सत्संग में नारद जी कहते हैं कि देखो पार्वती, ये संसार कितना स्वार्थी है, इतना स्वार्थी है कि भाई भाई को मारने के लिए हावी हो गया है। इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग, सगे भाई को जहर हंसकर पिला देते हैं लोग। ये जमाना बड़ा खराब है, भाई भाई को मार देता है अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। पार्वती मैया सुन तो रही है, लेकिन सुनते सुनते कहते हैं गुरुजी, बोले हाँ, बोले आपका कहना बिल्कुल सत्य है, ये संसार बड़ा स्वार्थी है, लेकिन क्या बताऊं, मेरे भोले बाबा मेरे स्वामी वो तो स्वार्थ के बारे में जानते ही नहीं है। बोले क्यों? बोले भोले बाबा तो इतने भोले हैं कि गुरु जो मंत्र दे जाता है वो कह जाता है गोपनीयम, किसी को बताना मत। मेरे भोले बाबा ने तो वो मंत्र भी मुझे बता दिया है। नारद जी कहने लगे अच्छा। बोले हाँ। तो बोले पार्वती, भोले बाबा भजन में मस्त रहते हैं, कहीं भूल ना जाएं, इसलिए तो नहीं बता दिया। बोले नहीं, मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं। और नारद जी की एक विशेषता है, नारद जी की विशेषता क्या है कि नारद जी महाराज अगर कहीं ऐसे स्थान पर पहुंच जाए जहां पर बहुत ज्यादा शोर होता है, तो वहां पर बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है, और या कहीं पर बहुत सन्नाटा हो वहां नारद जी पहुंच जाए तो वहां शोरगुल चालू हो जाती है। ब्रज में नारद जी को कहते हैं नारद, क्या कहते हैं? नारद नहीं, नारद।
क्योंकि नारद जी काम है चुगली करना इधर से उधर, कभी इसकी लड़ाई उससे लगाना, सबको इधर की उधर खबर करते रहते हैं। और पार्वती मैया ने जब कहा कि मेरे भोले बाबा भोले हैं, नारद जी को मिल गई चिंगारी, अब तो केवल घी डालना था। बोले अच्छा बड़ा प्रेम करते हैं? बोले हाँ। तो बोले फिर तो ये भी बता दिया होगा कि गले में जो मुंडों की माला है वो मुंड किसके हैं? पार्वती मैया ने नेत्र झुका लिए, बोले ये तो आज तक नहीं बताया। तो नारद जी को वहीं पर कहना था, देख लिया खाक प्यार करते हैं, गुरु मंत्र तो भूल ना जाऊं इसलिए बता दिया होगा, लेकिन जो मुंडों की माला 24 घंटे गले में रहती है उसके बारे में नहीं बताया तो क्या बताया। अब तो पार्वती मैया गुस्से में लाल पीली हो गई, नारद जी इधर नारायण नारायण नाम का गुणानुवाद करते हुए चले गई। रस्ते में मिल गए भोले बाबा, भोले बाबा ने प्रणाम किया, नारद मुनि प्रणाम। बोले खुश रहिए, जाइए जाकर के आप पार्वती मैया से मिलिए। बोले क्यों? बोले आपका इंतजार कर रही है। अब भोले बाबा ने नारद जी से सुना के पार्वती इंतजार कर रही है, तो भोले बाबा भी चिंता में आ गए कि समाचार भी कौन दे रहा है? नारद, तो जरूर कोई ना कोई चक्कर होगा। घर पे पहुंचे भोले बाबा कैलाश पर, तो पहले के राजाओं का नियम था, जब राजा महल बनवाते थे तो महलों में रानियों के लिए दो कमरे बनते थे, एक वो कमरा जिसमें रानी रहती थी और एक कमरा ऐसा होता था जिसको काले रंग से पुतवाया जाता था और उसके बाहर एक बोर्ड लगा दिया जाता था कोप भवन, और कोप भवन में जाकर के रानी बैठ जाती थी जब गुस्सा होती थी। राजा समझ जाता था कि मेरी पत्नी मुझसे नाराज है, जाकर के मना करके लेकर के आता था, लेकिन कैलाश पर्वत पर कोप भवन नहीं बन पाया। एक वृक्ष पर ही काले अक्षरों में लिख दिया गया कोप वृक्ष। आज पार्वती मैया उस वृक्ष के नीचे जाके बैठ गई और वृक्ष के नीचे बैठी हुई है, भोले बाबा समझ गए कि ये गुस्सा है। और वही आज भी प्रक्रिया चलती आई है, अग्रवाल समाज में जो वैश्य समाज है बनियों का समाज है उनके यहाँ पर आज भी प्रयोजन किया जाता है, और उस प्रयोजन में वही लीला की जाती है जो पार्वती मैया जाकर के बैठ गई और भोले बाबा मना के लाए। ऐसे ही पत्नी जाकर के बैठ जाती है दुखी होकर, पति बैंड बाजे से लेने जाता है, मई मनाता है, वहीं पर वस्त्र आभूषण देता है और तब पत्नी को मना करके घर पे लेके आता है। आज भोले बाबा ने पार्वती मैया से कहा, देवी क्रोध का कारण क्या है? पार्वती मैया कहती हैं, मैंने तुमसे बड़ा प्रेम किया लेकिन तुमने मुझसे प्रेम नहीं किया। बोले क्यों? बोले मैंने तुमसे प्रेम किया, तुम्हारे प्रेम के बारे में मैं बखान करती थी लेकिन तुमने उस प्रेम को निभाया नहीं। बोले क्यों नहीं निभाया? बोले एक बात बताओ, 24 घंटे तुम्हारे गले में ये जो मुंड पड़े रहते हैं ये मुंड किसके हैं? बोले ना, तो बोले देवी ये मुंड किसी और के नहीं, ये मुंड तेरे ही हैं और मैं तुझसे बड़ा प्रेम करता हूं, ऐसा प्रेम करता हूं कि जब भी तुम आती हो लीला करने और लीला करके जाती हो तो जलते हुए अंगारों में से मैं तुम्हारे मुंड को निकाल लेता हूं और निकाल करके मोती की तरह जैसे माला में मोती पिरोए जाते हैं ऐसे पिरो करके तुम्हें अपने हृदय के पास रखता हूं। अब तो पार्वती मैया और गुस्सा, बोले महाराज तुम तो कपटी नहीं मां कपटी हो। बोले बाबा, बोले क्यों? हम क्यों मां कपटी हैं? बोले इसलिए एक बात बताओ, मैं बार बार आती हूं और आकर के मर जाती हूं, तुमने कौन सी ऐसी बूटी पी रखी है जो तुम नहीं मरते? भोलेनाथ प्रभु ने कहा, देखो देवी
तुम लीला करने आती हो, लीला करके चली जाती हो, लेकिन मैं इसलिए नहीं जाता क्योंकि मैंने अमर कथा को सुन रखा है। और अमर कथा को जो सुन लेता है वो व्यक्ति कौन हो जाता है? अमर। तो पार्वती बोली, वो कथा हमको क्यों नहीं सुनाई? बोले तुमने कभी पूछी नहीं। वो कथा का भाव यही है, बिना मन के किसी को बैठा लोगे सुनने के लिए तो वो बैठेगा नहीं, भागेगा। कथा तब सुनानी चाहिए जब व्यक्ति याचक बन के आए। और कोई याचक बन के सुनने आए उसको कथा सुनाओ, ये कथा का नियम है। पार्वती बोली लेकिन अब हमारी इच्छा है, हमें सुनाइए। तो आज शंकर भगवान गुफा में ले जा करके पार्वती से कहते हैं बैठो और कथा सुनो। सुनने के लिए पार्वती तैयार हो गई। इधर भोलेनाथ ने पहली ताली बजाई। क्या बजाई? क्या तो बजाओ ना। भोलेनाथ ने पहली ताली बजाई। पहली ताली में जितने भी पक्षी वृक्षों पे थे, जितने भी जानवर आसपास थे, सब वहां उस स्थान को छोड़कर चले गए। भोलेनाथ ने देखा सब चले गए तो दोबारा दूसरी ताली बजाई। बैठने आए हो तुम लोग? सब लोग ताली बजाओ। भोले बाबा बजा रहे, तुम भोले बाबा से बड़े थोड़ी हो। दूसरी ताली भोले बाबा ने बजाई तो दूसरी ताली में जो पक्षी उड़ने योग्य नहीं थे वो वहीं सो गए। अब दो तालियों में कुछ चले गए कुछ सो गए, लेकिन वहीं जिस वृक्ष जिस गुफा में कथा सुना रहे थे वहां ठंड के कारण, कैलाश पे तो ठंड है महाराज हिमालय में, ठंड के कारण एक तोतनी ने अपना प्राणांत कर दिया था, लेकिन उसके गर्भ में एक तोता था। तो आज पहली ताली से भोले बाबा की ऐसी कृपा हुई कि उस गर्भ से एक तोता उत्पन्न हुआ, और दूसरी ताली से उसके अंदर शक्ति आ गई उड़ने की, बोलने की और सुनने की। और भोलेनाथ प्रभु ने कथा कहना चालू कर दिया। पार्वती मैया कथा सुनने लगी, लेकिन जैसे ही सुनते सुनते चार दिन हुए तो आज पार्वती को नींद आ गई। अमर कथा ये अमर गुफा में शंकर रहे सुनाए, उसी गुफा में बैठा तोता मन में रया से आए। उमा के तो पड़ गए सोता, भूखरा दे गयो तोता, उमा के पड़ गए सोता, भूखरा दे गयो तोता। अमर कथा ये अमर गुफा में शंकर रहे सुनाए, ओ अमर कथा ये अमर गुफा में शंकर रहे सुनाए। उसी गुफा में बैठो तोता मन में रहो से आए, उमा के तो पड़ गए सोता, करा दे गयो तोता, उमा के पड़ गए सोता, करा दे रहे तोता। और हाथ खोल के शंकर भगवान की गई सती को निंदा आई, ओ शंकर जी ने देखा गई सती को निंदा आई, शंकर जी ने देखा गई सती को निंदा आई, ओ शंकर जी ने देखा गई सती को निंदा आई। असमंजस में पड़ गए आवाज कहाँ से आई, असमंजस में पड़ गए आवाज कहाँ से आई।
ले त्रिशूल खड़े भय भोले, ले त्रिशूल खड़े भय भोले, देखी गुफा मजार उमा के तो पड़े गए सोता, करा दे गयो तोता, अमर कथा ये अमर गुफा में शंकर रहे सुनाए, अमर गुफा में अमर कथा ये शंकर रहे सुना, उसी गुफा में बैठो तोता मन में रहो सियाए, उमा के तो पड़े गए सोता, करा दे गयो तोता, उमा के पड़े गए सोता। और यहाँ पर जो जो नहीं सो रहे हैं वो हाथ उठा लो, जो नहीं सो रहे हैं। कहते हैं ताली वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम होता है, ताली वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम होता है, ताली तो वो बजाते हैं जिनकी हाथों में दम होता है। तो शीतल परिवारों में बड़ा दम है, पीछे तक हाथ उठा के, और नहीं तो बिल्कुल दम नहीं है। हरि बोल, शंकर भगवान की जय हो। चप्पा देखा कोई पढ़ता नहीं लिखाई, चप्पा चप्पा देखा कोई पढ़ता नहीं दिखाई, ओ चप्पा चप्पा देखा कोई पढ़ता नहीं लिखाई, चप्पा चप्पा देखा कोई पढ़ता नहीं दिखाई, जब ऊपर को देखा एक तोता दिया दिखाई, जब ऊपर को देखा एक तोता दिया दिखाई, छायो क्रोध बदन में भारी, छायो क्रोध बदन में भारी, पाके पड़े बिहार उमा के पड़े गए सोता, वो करा दे गयो तोता, वो करा दे गयो तोता, अमर कथा ये अमर गुफा में शंकर रहे सुनाए, अमर कथा ये अमर गुफा में शंकर रहे सुनाए, उसी गुफा में बैठो तोता मन में रहो से आए, उमा के पड़े गए तोता, तू करा दे रहो तोता, उमा के पड़े गए तोता, तू करा दे रहो तोता, हाँ उमा के पड़े गए तोता, तू करा दे रहो तोता, उमा के पड़े गए तोता, गयो तो शंकर भगवान की। तो उमा के पड़ गए सोता, ऊकरा दे गयो, कौन दे गयो, ए जोर से बोलो तोता। अन्याय ऐसा लग रही है कि तुम सब में सोता पड़ रहे हैं। पार्वती मैया को नींद आ गई, तो नींद आई तो नींद कब आती है वो भी कथा में, कई उनको घर में नींद नहीं आती होगी जहां बढ़िया नींद आती होगी, लेकिन कहते हैं पूर्व जन्म के पाप ते हरि चर्चा ना सुहाए, और कछु ओंगे कछु लड़े मरे
या कछु वापस घर को जाए। अब कई लोग उठ के जल्दी भागते हैं, जो जल्दी भागने वाले हैं ना, गलती उनकी नहीं है, उनके पूर्व जन्म के पाप प्रकट होते हैं। ये हम नहीं कह रहे, शास्त्र कह रहे हैं, पूर्व जन्म के पाप थे, हरि चर्चा ना सुहाए, और कछु होंगे कछु लड़मरे या कछु वापस घर को जाए। अब तुम लोग कहो कि भैया पार्वती मैया तो देवी, वो भी गलती कर सकती है क्या, उनसे ऐसा कौन सा पाप हो गया कि उन्हें भी नींद आ गई। तो पार्वती मैया से भी गलती हो गई थी पूर्व जन्म में, और पूर्व जन्म में गलती क्या कर दी थी, सती रूप में जब थी। हो एक बार त्रेता युग माई शंभु गए कुंभ जरी सिपाही, संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, मेरे राम ओ राम कथा मुनि बरज बखानी सुनी महेश परम सुख वाणी, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभ जरी सिपाही। बोले बाबा सती मैया को संग में लेकर के कथा सुनने गए थे राम जी की, और जब राम जी की कथा सुनने गए तो संग में किसको लेके गए, संग सती ही जग जननी भवानी। ये लेखनी है विद्वानों की कि भोले बाबा के साथ में जो आई है वो कौन है, संग सती जग जननी भवानी। माने कौन आई है, कोई साधारण नहीं आई है, साक्षात जगदम्बा मैया दुर्गा संग में आई है भोले बाबा के, और वहां पर जाकर पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। और जब वहां भगवान राम के गुणानुवादों का गायन चालू हुआ तो राम कथा मुनि बरज बखानी, और सुनी महेश परम सुखवानी। संग में सती भी गई थी, संग में सती भी गई थी, लेकिन यहां पर क्या लिखा बाबा ने कि सुनी महेश परम सुखमानी। तो माने केवल भोले बाबा ने कथा को सुना था, राम कथा को सती ने नहीं सुना था, सुनती तो जानती, और सबसे बड़ा अपराध तो तब कर दिया जब भोले बाबा ने पूछा तो बोले हाँ कथा सुनी है, लेकिन राम जी को राम जी मानने से इनकार कर दिया। देखो तो सही, जो अपनी पत्नी के लिए पक्षियों से वृक्षों से पूछ रहे हैं कि मेरी सीते कहाँ है, वो कभी भगवान हो नहीं सकते। भगवान के सामने भी चली गई तो भगवान ने भी हाथ जोड़ करके माता कहकर संबोधन किया। और यही पाप यही गलती कि भोले बाबा ने तो उसी समय त्याग दिया था सती को, जिस समय सती ने भगवान के इष्ट राम को राम मानने से इनकार कर दिया। तभी तो जब आई है तो संग में कौन आई, संग सती जग जननी भवानी। लेकिन बाबा ने जब जा रही है लौट के कथा सुन के तो क्या लिख दिया, चली भवन संग दक्ष कुमारी। आई थी तो सती जग जननी भवानी, माने कितनी लगा दी बाबा ने उपाधि कि देखो साक्षात दुर्गा संग आई है, लेकिन जाते समय कौन गई है,
अब जब बच्चे गलत काम करते हैं तो नाम किसका होता है? पिता का। बोले फलाने का बेटा है, फलाने की बेटी है। तो चली सन भवन संग दक्ष कुमारी। तो भोले बाबा ने तो उसी समय त्याग दिया। आगे मैया ने लीला की, कनखल में जाकर के अपने शरीर को देह को त्याग दिया। लेकिन वो मैया भी समझ गई थी कि अब भोले बाबा ने मुझे उस रूप में नहीं स्वीकार किया जिस रूप में पहले किया था। तो इसीलिए पूर्व जन्म के पाप के कारण पार्वती मैया को नींद आ गई। अब नींद आई साहब, लेकिन जब तोता बैठ करके कथा को सुन रहा था तो तोते ने देखा कि भैया कथा हो रही है, भोले बाबा आंख बंद करके कथा सुना रहे हैं और एक शर्त रख दी है कि ओम ओम का उच्चारण करते रहना तो कथा चलती रहेगी। लेकिन जैसे ही पार्वती मैया सोई, तो पीछे देखो कितनी बढ़िया उनकी कथा चल रही है, बहुत बढ़िया। हाँ क्या बात है, माइक मिलवा दूं? हाँ तुमसे कह रहा हूँ, ये हरी और पीली साड़ी वाली माताएं बैठी हैं, ये दो पीली है बीच में एक हरी है, क्या बढ़िया कथा चल रही है। वाह माइक भिजवा दे बीच में, हम भी सुन रहे हैं सर ना, क्या मैं भी तो पता चले कितनी बढ़िया कथा चल रही है। बलमा के वे हरी लाल की, अरे भजन में आए भजन न गाए ऐसे पापी ते बचियो अयम डंडा लेके आवे गो तुम देखते रहियो ओ भजन में आए भजन न गाए ऐसे पापी ते बचियो यम डंडा लेके आए गो तुम देखते रहियो अब बचना है डंडे से तो चुपचाप कथा सुन लो, डंडा खाना तो खूब बतरा। पूर्व जन्म का पाप प्रकट होता है तो ऐसा ही होता है। इधर शंकर भगवान कथा कहने लगे, तोते ने देखा कि ओम शब्द का उच्चारण बंद हो गया। आप लोगों से जयकारे क्यों लगवाए जाते हैं? इसीलिए लगवाए जाते हैं, देखा जाता है कि सुन रहे हो कि नहीं, कहीं सो तो नहीं रहे हो। अब देखो हम मुंह छुपा रहे हैं, ऐसा काम ही मंदिर होगा मुंह छुपाना पड़े। बोल माँ के बिहारी लाल की जय हो। आज तोते ने ओम ओम का उच्चारण चालू कर दिया तो ओमा के पड़ गए सोता और हुकरा कौन दे गया? कौन? अब बोलो, अब चिल्लाओ, कौन? तोता। तो तोता ने हुकारे दिए तो भोले बाबा ने देखा भैया 7 दिन पूरे हो गए, कथा पूरी हो गई। तो भोले बाबा ने दोनों भुजाओं को उठा करके जयकारा लगा दिया और बड़ी जोर से जयकारा लगाया, बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आज जयकारा जैसी लगा पार्वती की नींद टूट गई। पार्वती मैया बोली, प्रभु आप कथा सुना रहे थे, क्या हुआ आगे? भोलेनाथ बोले, मैं तो कथा पूरी कर चुका, तुम कह रही हो आगे क्या हुआ? बोले क्षमा कर दो प्रभु, मैं अबला हूं, नारी हूं, मुझसे गलती हो गई। बोले क्या हो गया? बोले मैं कथा में सो गई। भोले बाबा ने चारों ओर देखा कि भैया फिर ये ओम ओम का उच्चारण किसने किया? चप्पा चप्पा देखा कोई पढ़ता नहीं लखाई, लेकिन जब ऊपर को देखा एक तोता दियो दिखाई। अब तो भैया गुस्से में लाल पीले त्रिशूल उठा लिया, ले त्रिशूल खड़े भए बोले और आज भागे पीछे मारने के लिए। अबे तोता आगे आगे, भोलेनाथ पीछे पीछे। और भोलेनाथ ने देखा कि वो तोता भागता हुआ जा रहा है। अब वो महाराज भागते भागते ब्यास गुफा के पास पहुंच गया। ब्यास जी की बात है, अपने केशों को सुखा नहीं थी, बालों को, उबासी आती है। तोते ने नन्ना सा रूप बनाया और मुखारविंद के माध्यम से जाके गर्भ में विद्यमान हो गया। भोलेनाथ भागते हुए आए, ब्यास जी ने भोले बाबा को आते हुए देखा, हाथ जोड़कर प्रणाम किया, भोलेनाथ प्रभु आपकी जय हो, आप यहाँ पर? बोले क्या बताएं, एक चोर है जो तुम्हारे घर में घुस गया है।
व्यास जी ने कहा कि महाराज आप तो फक्कड़ बाबा, अन्य मंदिरों में तो चलो ये है कि सोने के आभूषण रखे जाते हैं, लेकिन तुम तो बोले ना तो बोले वाले हो। अब ठाकुर जी की सेवा देखो कितनी बढ़िया है, चांदी के बर्तनों में भोग लगता है, चांदी का मुकुट धारण करते हैं, सोने की चांदी की बांसुरी, आभूषण सोने चांदी के, लेकिन भोले बाबा तो भोले वाले कुछ नहीं पहनते, बिल्कुल साधारण बैठे रहते हैं, जाकर एक लोटा जल चढ़ा दो उसी में स्वीकार हो जाते। जल की तो छोड़ो, एक बार तो एक चोर पहुंच गया भोले बाबा के यहाँ चोरी करने, घंटे को चोरी करने पहुंचा है, और चोरी करने जब गया तो भोले बाबा के यहाँ पर चोरी करने के लिए उसे घंटे को उतारने के लिए ऊंची चीज की जरूरत पड़ रही। अब सोचने लगा कैसे चोरी करूं, कुछ नहीं मिला तो भोले बाबा की शिवलिंग के ऊपर ही चढ़ गया, और वो तो चोरी करने के लिए चढ़ा, लेकिन भोले बाबा उसमें प्रकट हो गए। बोल शंकर भगवान की। अब भगवान को देख करके वो चोर कांप रहा है, भोले बाबा से कह रहा है प्रभु क्षमा कर दो। लेकिन भोलेनाथ कहते हैं अरे मैं तो तुझे वरदान देने आया हूं। बोले वरदान, मैं तो चोर, मैंने तो चोरी के लिए आपके ऊपर आकर के चढ़ा। बोले नहीं, भले ही तूने चोरी की, चोरी करना तेरा तू काम है, चोरी करता है, लेकिन देख दुनिया में लोग मुझ पर दूध जल फल फूल चढ़ाते हैं, तू पहला ऐसा व्यक्ति है जो स्वयं मेरे ऊपर चढ़ गया। तो भोले बाबा तो बोले, ब्यास जी कहते प्रभु तुम्हारे पास ऐसा क्या के कोई चोरी करेगा। तो आज शंकर भगवान कहते हैं देखो उसने मेरी कथा चोरी की है, अगर याचक बन के बैठ कर सुनता तो कोई बात नहीं है, लेकिन इस तरीके से सुनना चोरी ही है। तो आज ब्यास जी ने नेत्र बंद करके ध्यान किया और ध्यान लगा के देखा कि अरे हाँ, लेकिन देखा कि ये जो चोर है ये ब्यास जी के घर में जन्म लेने वाला है। ब्यास जी गदगद है, ब्यास जी बोले बाबा से कहते हैं प्रभु आपकी कौन सी कथा चोरी की है। बोले मेरी अमर कथा चोरी की है। तो बोले बाबा तुम तो नाम के ही भोले नहीं हो, वास्तव में ही भोले हो। बोले क्यों। बोले जिसने अमर कथा को सुन लिया वो क्या मरेगा। बोले नहीं। तो बोले फिर क्यों तो सुन लेके भाग रहे। तब समझा दिया बोले बाबा लौट करके आए। बोलो शंकर भगवान की। एक मिनट बाबू, एक मिनट पानी। ओ तेरी भोली सी सूरत सवरिया, ओ तेरी भोली सी सूरत सवरिया, सब दिल में बसी लगी। तेरी भोली सी सूरत सवरिया, सब दिल में बसी लगी। ओ तेरी भोली सी सूरत सवरिया, तेरी भोली सी सूरत सवरिया, सबके दिल में बसी रही है, सबके दिल में बसी रही है। ओ तेरी भोली सी सूरत सवरिया, तेरी भोली सी सूरत सवरिया, सबके दिल में बसी रही है, सबके दिल में बसी रही। ताली सेवा करते हुए
भक्त मिलकर ठाकुर जी को बुला रहे हैं। वो कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, जिस्म से जान जुदा होगी क्या, कब आओगे। वो तेर न हो जाए, कहीं तेर न हो जाए, तेर न हो